वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या का ये मामला है, इससे जुड़ी एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी शूटर अमरजीत ढेर हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की टीम एक अन्य आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। ये हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस मामले में सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हुए थे, जिसके बाद आज पुलिस को ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार एसएसपी के साथ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है। नानकमत्ता में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी और इस मामले में एक आरोपी को आज ढेर किया गया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के झमली खेड़ा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने का ये बड़ा मामला है। इस मामले में लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आज तरसेम सिंह की हत्या के आरोपी को पुलिस ने ढेर किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही थी और एक आरोपी को मार गिराने में पुलिस को आज सफलता हासिल हुई है। बता दें कि दूसरे आरोपी की भी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। घेराबंदी करके आज बदमाश का एनकाउंटर किया गया है और गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी शूटर अमरजीत ढेर हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। पुलिस की टीम एक अन्य आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश इस मामले में दिए हुए थे, जिसके बाद आज घेराबंदी करके पहले आरोपी को पुलिस की ओर से ढेर किया गया है। हरिद्वार एसएसपी के साथ एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। नानकमत्ता में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से नानकमत्ता में ये हत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ अपडेट है? अवनीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा। नानकमत्ता में जो हत्या का मामला हुआ था, उसके बाद लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही थी और आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, यहाँ पे अगर बात करें नानकमत्ता के डेरा प्रमुख जो तरसेम बाबा तरसेम की जो है अभियुक्तों ने जो है यहाँ पर उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसको लेकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था थी वो लगातार जो है यहाँ पर उसको देखने को मिल रहा था कि और खास करके पुष्कर सिंह धामी जो भी है दिशा निर्देश दिए थे कि हथियारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको लेकर बाकायदा जो है पुलिस टीम जो है लगातार जो है यहाँ पर छानबीन कर रही थी, उसकी छानबीन कर रही थी और जो है पता निकालने की कोशिश कर रही थी कि किसका हाथ हो सकता है। तो इसमें कई नाम जो है सामने आ रहे थे, उसको लेकर पुलिस जो है लगातार यहाँ पे मुखबिरों की सहायता से भी जो है यहाँ पे अभियुक्तों को ढूंढने की कवायद कर रही थी। उस देर रात जो है यहाँ पर बड़ी सफलता जो है पुलिस को हाथ लगी है, उसमें जो है यहाँ पर अगर जो कहा जा सकता है एसटीएफ के साथ मिली एसटीएफ की के साथ मिलकर जो यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी परविंदर डोभाल है, उन्होंने यहाँ पर जो है भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंदर जो इनके शार्प शूटर थे अमरजीत सिंह, उसको जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जी वही अवनीश, अगर बात करें तो दूसरे आरोपी की भी लगातार तलाश की जा रही है, तो क्या कुछ अहम कदम है जो पुलिस आगे इस मामले में उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देर रात जिस तरीके से यहाँ पर अगर हमारी डीजीपी से बात हुई थी, उनका कहना था कि जो अभियुक्त है उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो मेन था मुख्य आरोपी जो था इसको रात देर रात जो है एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर जो है ढेर कर दिया गया और दूसरा जो आरोपी है उसकी यहाँ पे तलाश जो है भी जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उसको भी जो है यहाँ पे जो है पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है बड़ा संगीन हो गया था इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ मामला भी था और खास करके वो जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने सख्ती दिखाई थी कि ये जल्द से जल्द इसकी जो है यहाँ पर खुलासा किया जाए। जी वही अवनीश, इससे पहले भी इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे भी आरोपी थे जिनको पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी था इसको मार गिराने में आज जो पुलिस को सफलता हासिल हुई है, उसके बाद किस तरीके का माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए जिस तरीके से डेरा प्रमुख की हत्या का मामला था और आस्था से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कहा जा सकता है एक धर्म की बात थी उसको लेके, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं खालिस्तान से जुड़ा हुआ मामला ना हो, इसको लेके लगातार जिस तरीके की यहाँ पे जो पुलिस थी वो अपने मुखबिरों की जो सहायता से जो है यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही थी उसको लेके, क्योंकि कई आरोपियों से जो है पहले भी पूछताछ की गई थी और उन्हीं की जो है निशानदेही पे जो है अमरजीत का सामने आया था नाम कि शार्प शूटर मुख्य आरोपी यही है, इसी के कहने पे ये जो है अंजाम दिया गया, उसको लेके यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से जो है घेराबंदी कर रही थी और इसमें जो है बड़ी सफलता जो है अभी उनको हाल फिलहाल में जो है मिल गई है। जी
वहीं अवनीश अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है, कई आरोपियों को पकड़ा भी किया है, तो क्या प्रमुख कारण है जो निकलकर सामने आए हैं इस हत्या के पीछे के? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पुलिस की और खास करके एसटीएफ की, उनका कहना था कि अभी मामले की जांच चल रही है, अभी खुलासा करना ठीक नहीं है, और जो कारण है कि किस कारण उनकी हत्या की गई थी, क्या रहे हैं मामले, उसको लेके अभी पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, और खास करके पुलिस का कहना है कि जल्दी इसका जो है पत्रकारों के सामने खुलासा कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अवनीश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।